What's up everybody, I hope everyone is doing well. So welcome back to my channel सिंह फिटनेस एरा। तो हमारे चैनल पे आपको फिटनेस का सारा अपडेट मिलेगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ये जो अपडेट है वो है लिविया डोनियो फ्रो की तरफ से, जो कि कम्पीट कर रहे हैं सेरू क्लासिक इटली में। तो इनका कंडीशन की यदि बात किया जाए तो बहुत ही टॉप नॉच कंडीशन है। तो क्या ये ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो आप लोग ऑल द बेस्ट इनको ज़रूर लिखना, एंड होप कि ये ज़रूर जीतेंगे, तो हम लोग को देखना होगा। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या मनोज पाटिल ने जर्मिन बुंडिया के बारे में बोला है, और जर्मिन बुंडिया ने भी बोला आई एम फीलिंग प्राउड एंड एक्साइटेड फॉर द मनोज पाटिल फॉर डेब्यू इन IFBB प्रो। तो चलो इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। आई लुक्ड अप एंड आई वांटेड टू बी लाइक हिम एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड यू नो फिजिक लाइक हिम वन डे डेफिनेटली। सो लास्ट ईयर इन 2019 आई वन माय प्रो कार्ड एंड दैट आई रिसीव बाय माय आइडल ओनली, एंड आई एम लाइक आफ्टर 7 days आई एम गोइंग टू कम्पीट इन माई प्रो डेब्यू शो। सो सर इज हियर, जेरी बिग ब्रदर इज हियर एंड साइनिंग माई कॉन्ट्रैक्ट like in front of him only. It's a big deal, man. Yeah, man, thank you so much. You deserve this, bro. Thank you. This is your first step to get into Olympia. Exactly. There you go. It's official, man. Thank you so much. For sure. तो ये हमारा अपडेट है राजा अजीत की तरफ से, वो कोरिया पहुंच गए हैं। तो आप उनका कंडीशन देख सकते हो, ये मॉर्निंग का कंडीशन है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनका कंडीशन कैसा है, एंड आप लोग कमेंट में ज़रूर ऑल द बेस्ट टू राजा अजीत ज़रूर लिखना। एंड वैसा कंडीशन की बात किया जाए बहुत ही बढ़िया कंडीशन लग रहा है। मेंस फिजिक कैटेगरी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। आई ग्रेजुएटेड इन श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी इन 2019। I'm yet to practice my dentistry. I turned pro right after completing my degree. So I found this as my passion. But of course, my knowledge in science and the dental career helped me to understand my body better and nutrition, science and everything better. Yeah, I have a future there as well. As soon as I heard about the competition, I checked out on YouTube about the Monsters M Classic. I saw the previous year competition. It was exceptional. The stage and the setup,